ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए विशेष भोग संदेशों का, जिनमें बाप दादा ने हम बच्चों को अंतिम विकराल परिस्थितियों में, विघ्न व समस्याओं में सहज विजय प्राप्त करने के लिए सहज युक्तियां बताई। ऐसे ही एक विशेष भोग संदेश में संदेशी जी कहती, आज बाप दादा के पास आप सब माताओं और आने वाली टीचर्स की याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंची तो क्या देखा, बाप दादा सामने खड़े थे और दूर से दृष्टि दे मुस्कुराते बोले, आओ बच्ची आओ। मैं दृष्टि के आकर्षण में आगे बढ़ते पास पहुंच गई, जाते ही अमूल्य बाहों की माला में समा गई। बाप दादा ने भी ऐसे स्नेह में समा लिया जो मैं भी लव में लीन हो गई। कुछ समय के बाद बाबा बोले, आज क्या समाचार लाई हो। मैं बोली, बाबा आपके सिर के ताज मीठी माताओं का संगठन बहुत अच्छा आया है, साथ में आपके समान गुरु भाई टीचर्स का भी संगठन आया हुआ है। आज तो जैसे आपने मुरली में कहा कि माताएं स्नेह और भावना की रस्सी में बांध लेती हैं और बाप दिल तख्त का झूला बनाकर झूला लेते हैं, ऐसे ही आज कल मधुबन में चारों ओर वायुमंडल में वाइब्रेशन छाया हुआ है। बाबा बोले, माताओं में प्यार की विशेषता होती ही है। दिलाराम बाप भी बहुत दिल से दिल तख्त नसीन बना देते हैं, क्योंकि द्वापर में सबने माताओं को नीचे गिराया है, लेकिन बाप दादा को माताओं पर बहुत नाज है, क्योंकि माताओं के बिना विश्व का कल्याण हो ही नहीं सकता। ड्रामा अनुसार माताओं को ही विश्व कल्याण के कार्य की जिम्मेवारी बाप दादा द्वारा मिली हुई है, इसलिए माताओं कन्याओं से बाप दादा का बहुत प्यार है। ऐसे कहते बाप दादा ने एक ताली बजाई तो क्या देखा, आप सब माताएं खुशी में नाचते गाते वतन में पहुंच गईं, साथ में टीचर्स भी इमर्ज हो गईं और सभी संगठन में जैसे हमारे झाड़ के चित्र में शक्तियों का चित्र है और मम्मा आगे झंडा लेकर खड़ी हुई है, ऐसे सारा संगठन एक दो के पीछे खड़े थे। हर एक के हाथ में छोटा झंडा था जिसमें लिखा हुआ था, हमारा बाबा विश्व का बाबा आ गया। आगे दादी जानकी और सर्व दादियां दीदियां थी। दादी जानकी बीच में थी और दादी के हाथ में शिव बाबा का किरणों वाला शोभनिक झंडा था, साथ में अन्य दादियों और बड़ी बहनों के हाथ में भी शिव बाबा का छोटा झंडा था। सबके झंडे इतना अच्छी लहरा रहे थे कि लाइट फैल रही थी, वह तो देखने वाली सीन थी। बाबा भी हर एक को बहुत मीठी दृष्टि देते बोले, बच्ची अब यही ललकार जोर शोर से विश्व की आत्माओं तक पहुंचाने का कार्य करना है। जो कार्य अब रहा हुआ है वह अब जल्दी जल्दी संपन्न करना ही है। कई आत्माएं दुख अशांति की आहों से भटक रही हैं। आप शिव शक्तियों को इन भटकती हुई आत्माओं को बाप का परिचय दे ठिकाने पर पहुंचाना है। अब इस दिल के संकल्प को
मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चेहरे और चलन द्वारा तीव्र गति की आवश्यकता है। बाप जानते हैं कि सभी बच्चे यथा शक्ति तथा संस्कार प्रमाण सेवा कर रहे हैं। अब बाप का फरमान है कि समय की समीपता प्रमाण अब सेवा की रफ्तार को तीव्र करने की आवश्यकता है। ड्रामा की भावी और बाप की शुभ आशा यही है कि सेकेंड सेकेंड श्वासो श्वास याद और सेवा के लगन की आवश्यकता है। अब अनेक कारणों को समाप्त कर निवारण मूर्त बन विश्व की स्टेज पर स्थित हो। जीरो और हीरो का पार्ट बजाने का समय है। बोलो, ऐसे दिल का उमंग आता है ना कि अब से आलस्य अलबेलापन नाजुक संस्कार को छोड़ शिव शक्ति रूप बन बाप के श्रीमत रूपी हाथ में हाथ दे और सदा साथी बन साथ दे। कार्य की रफ्तार को बढ़ाना ही है। बाप दादा देश विदेश के हर बच्चे को सामने देख कह रहे हैं, बच्चे अब सदा हर आत्मा प्रति रहम दिल कृपालु दयालु मास्टर दुख हरता सुख करता बन उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अपने हर संकल्प बोल और कर्म की जिम्मेवारी करण करावनहार बाप को दे दो। बाप दादा आपको निमित्त करणहार बनाए। आपका वर्तमान और भविष्य सहज और श्रेष्ठ बना के ही रहेंगे। मैं पन को छोड़ बाप के हवाले कर दो तो बाप दादा का वायदा है सब बच्चों का सर्व बोझ समाप्त कर डबल लाइट बना ही देंगे। बोलो, डबल लाइट बनना पसंद है ना। दिलाराम का यही आस है कि मेरा एक एक बच्चा हर ज्ञान के राज और शक्तियों के अनुभव के अथॉरिटी की सीट पर सेट हो, बेफिक्र बादशाह बन के रहे। बोलो, पसंद है। आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों को मीठी माताएं और निमित्त बनी हुई टीचर्स जो आगे एडवांस स्टेज पर जानी हुई हैं सर्व को एक बात का इशारा दे रहे हैं कि आज कल समय की समीपता प्रमाण भिन्न भिन्न पेपर्स आएंगे, लेकिन हर प्रकार के पेपर को अनुभव के अथॉरिटी बन आगे बढ़ने का साधन समझ। बाप के सदा साथी और साक्षी दृष्टा की स्थिति से अचल बन आगे बढ़ते चलो। जैसे दुनिया में भी कोई भी पेपर क्लास व स्टेटस आगे बढ़ता है तो ऐसे ही पेपर भी आता है। यह पेपर भी सदा के लिए अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाने वाला है। इस दृष्टि से सहज पार कर आगे बढ़ो। अपोजिशन अपने अनुभव के अथॉरिटी के पोजिशन की सीट का आधार बनाओ तो स्वयं भी निराकारी निर्विघ्न निर्विकल्प स्थिति का अनुभव करेंगे। साथ साथ अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा चारों ओर श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाएंगे। बोलो, यह सहज अविनाशी पुण्य जमा करने का कार्य करना है ना। बाप दादा के द्वारा भी ऐसे बच्चों पर सदा वरदानों की वर्षा होती रहती है। उसके बाद बाबा बोले, बच्चों द्वारा बाप के पास राखी का उमंग उत्साह पहुंच रहा है। बाप दादा भी सभी बच्चों को राखी की लाख लाख गुना बधाई याद प्यार दे रहे हैं
और यही दिल का संकल्प दे रहे हैं कि हर एक बच्चा दृढ़ संकल्प के धागे की स्व को राखी बांध रक्षा बंधन मनाए, विश्व रक्षक बन सर्व आत्माओं को उत्साह की मिठाई खिलाए, अनुभवी मूर्त बनने का अविनाशी तिलक लगाओ। ऐसे कहते बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों को अपने नैनों में इमर्ज कर याद प्यार और वरदान दे विदाई दे दी। अच्छा, ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीके भाई बहनों तक शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।